हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं एम्बे डायनामाइट हेयर क्रीम, ये आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको ये यूज़ करना बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं इसमें क्या क्या डाला गया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। इट्स ए नेचुरल इंग्रेडिएंट लाइक हीना शिकाकाई एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट ऑयल कंडीशन एंड सॉफ्टन द हेयर एंड गिव इट दैट शाइन। इट आल्सो कंटेन विटामिन ई विच हेल्प स्ट्रेंथन द हेयर रूट्स। तो अगर इसके यूजर्स की बात करूँ, इसको यूज़ कैसे करना है, थोड़े जैसे मेरे बाल आप देख सकते हैं वेट, यानी कि गीले गीले बालों पर यूज़ करना है। उसके बाद आप जैसे हेयर चाहें वहाँ पर सेट कर सकते हैं और वो शाम तक ऑलमोस्ट वैसे ही रहेंगे। तो ध्यान रखें, ड्राई बालों पे यूज़ नहीं करना है इसको, आपको करना है गीले बालों पे। और मैं आपको यूज़ करके भी बताता हूँ। मैंने आज तक कोई भी बाहर का हेयर क्रीम कभी लगाया नहीं है, जहाँ वो जेल आती है जो मार्केट में बालों को स्ट्रेट रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया है मैंने। अगर कोई हेयर क्रीम लगाया है तो वो यही वाला लगाया है डायनामाइट का। अगर मैं इसके रेट की बात करूँ तो ये आपको 90 रुपीज़ की पड़ेगी, यानी कि इकोनॉमिकल है, कोई इतनी महंगी नहीं है, और आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की ये हेयर क्रीम मिलेगी। अगर मैं इसको यूज़ करना बताऊँ तो सबसे पहले हम लेंगे इसको, अपने बालों के हिसाब से आप ले सकते हैं जितने आपके बाल हैं उसके हिसाब से। उसके बाद इसको बालों पे लगा दीजिए, पूरे हेयर पे लगाना है इसको। और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको पसंद आएगा, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं जैसे अभी 8-9 साल हो गए हैं एम्बे का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, और ज़्यादातर प्रोडक्ट का मुझे कोई कंप्लेन आया नहीं है। अगर कुछ जैसे प्रॉब्लम हुआ भी होगा तो उससे भी जैसे सीखने को मिल गया, जैसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रोटीन खाया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर जलने लगे, तो उसे ये डायग्नोस हो गया कि मुझे यूरिक एसिड है, उल्टा फ़ायदा ही हुआ होगा। मैं प्रोडक्ट का डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं, हाँ अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उस पर यूज़ करने से पहले आपको ज़रूर पूछ लेना चाहिए, जहाँ जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट है वो पहले पूछ लेना चाहिए। ये अभी आप देख सकते हैं, इसके बाद आप जैसे बाल चाहें रख सकते हैं, कंघा करना चाहें कंघा, या आपको थोड़ा ऐसे करना बाल साइड पे रखने की आदत है तो वैसे आप रख सकते हैं। जैसे मेरा फेवरेट स्टाइल ये वाला है कि बालों को ऐसे रखना है। अभी मैंने ज़्यादातर बाल छोटे रखे होते हैं, अभी ये फर्स्ट टाइम मैं बड़े बाल रख रहा हूँ, तो ये मुझे ऐसे पसंद है। तो आप जैसे बाल चाहे रख सकते हैं, बाकी इसकी क्वालिटी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। हो सकता है कई हमारे दोस्त यूज़ करते भी हैं, तो जो नहीं करते वो यूज़ कर सकते हैं। 90 रुपीज़ का कोई महंगा नहीं है, क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज बेस्ट है, और आपके बालों को कोई नुकसान नहीं करता। अभी इससे कोई बाल आने का या जाने का कोई लिंक है नहीं, हाँ जो आपके बाल हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको कोई ये नुकसान नहीं करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में नई अवेयरनेस के साथ। अगर आपका कोई सवाल है इसको लेके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमें जो सजेशन देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलूंगा, प्रणाम।